नमस्कार। आज जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है वो टीचरों की जो बढ़ती कमी है उसके संदर्भ में आज रखी गई है। आज एक डेलीगेशन जो आया था वो फरनाट तरफ से आया था और आपके माध्यम से कई बार टीचरों की कमी को जो है दर्शा चुके हैं, कई बार अपना मौका दिखा चुके हैं। लेकिन आज इस चीज़ को समझने के लिए आज हम सब ने डिसाइड किया कि राधर देन हम एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम आउट करें, जोनल एजुकेशन डिपार्टमेंट को उस पर कसूरवार ठहराएं, तो आज हमने एक हमारा एक शिष्टमंडल जो है वो जडीप साहब से मिला, श्रीकांता जी से मिला के मिला और उन्होंने अपनी जो मजबूरी है वो जब बयान करी तो एक बड़ा मतलब दुख भरी कहानी है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और जो कसूरी सब डिस्ट्रिक्ट है उसका इतना बुरा हाल है कि इस टाइम जो स्कूलों की स्थिति है वो स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि इसमें आज ये चीज़ आपके माध्यम से साझा करना था। आपके लिए भी समझता हूँ बिंग एज ए अपोजिशन लीडर या बिंग एज ए समाज से भी मैं दोनों तरफ से अपनी बात करूँगा और ये प्रेस वार्ता करने का आज हमारा जो वक्तव्य है वो भी इसी रिलेटेड है क्योंकि स्कूल में हमारे कसूरी टोटल जोन में कसूरी जोन में हमारे पास इस टाइम जो सैंक्शनड स्कूल हैं हाई सेकेंडरी 4 हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल हमारे पास 10 हैं, मिडिल स्कूल हमारे पास 29 हैं और 87 के करीब हमारे पास प्राइमरी स्कूल। तो इन टोटलिटी अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास 142 के करीब हैं, उसमें से 130 जो हैं ऑपरेशनल और 12 स्कूल बंद हो गए हैं बिकॉज ऑफ जीरो एनरोलमेंट, वो स्कूल बंद करने पड़े। स्कूलों की पहले बर्बाद हुई, स्कूल खुलते गए, आज ये हालत हो गई कि आज स्कूल बंद भी हो गए 12 स्कूल और उसमें से भी दयनीय हालत यह है जो टीचिंग स्टाफ जो है सैंक्शन है हमारे पास इस टाइम 474 और इसमें से फील्ड जो है 322 फील्ड हैं और 152 पोस्टें जो है वो वैकेंट हैं। तो जेडीयू साहब की भी अपनी ये मजबूरी है कि मैं क्या अरेंजमेंट्स करूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी नहीं जा पा रही और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से अगर मैं बात करूँ तो मैं डीसी साहब से भी इसमें रिक्वेस्ट करूँगा कि वसूली पे थोड़ा सा फोकस दे क्योंकि अभी उन्होंने नया नया ज्वाइन किया है, उनकी हम तहे दिल से हम उनका स्वागत करते हैं अपने ज़िला में। लेकिन जो मार्केटिंग पे काम करने वाला है बिकॉज एजुकेशन एक ऐसा काम है, एजुकेशन टू राइट हमारा फंडामेंटल राइट भी है और एजुकेशन एक भविष्य एक दर्शक एक देश को बनाने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है और अगर यही हालात रही और बच्चों की अगर एनरोलमेंट देखें तो 6000 के करीब मोटा मोटा जो है वो इस टाइम बच्चे जो हैं वो इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं या कहें कि अपने भविष्य के लिए खेल रहे हैं या भविष्य उनका बर्बाद हो जाएगा जो अगर इस हिसाब से टीचिंग स्टाफ का जो खाका रहा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात है मैं अपने इस हिसाब से एक और रिक्वेस्ट करूँगा, उनके पास दो स्टाफ हैं, पंकज शर्मा जूनियर असिस्टेंट जो जेडीओ बसोली से हैं और श्याम मोहम्मद जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं क्योंकि हमारे जोनल ऑफिस में डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है, जूनियर असिस्टेंट नहीं है और जो पियन है वो काम कर रहे हैं इसका डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे हालात हमारे देश के जो बनते जा रहे हैं, जो हमारी स्टेट की स्थिति बनती जा रही है या 370 के बाद ये हालात हुए, ये हालात में मैं इस कम समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और जो ये इस टाइम स्कूलों की कमी है, जो टीचर की कमी है, इस कमी को देखते हुए इनको जल्दी से इनका शिफ्ट ओवर अरेंजमेंट्स करने चाहिए और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान दें बिकॉज ये ज्वालामुखी जो है खत्म की कगार पे आ चुका है। आप ही के माध्यम से आए दिन हमारे एजुकेशन किए जा रहे हैं, आए दिन हम अपने स्कूलों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कहीं प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा देने के लिए, कोई सारी इन प्लांटिंग के लिए, क्योंकि 2014 के बाद जब से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई हुई है, आज मैं कड़े शब्दों में उनके लिए एलिगेशन भी लगाता हूँ कि 2014 के बाद किसी भी एजुकेशन में आज तक 0% जो है रिक्रूटमेंट हुई है, कोई टीचर नहीं रिक्रूट हुआ, चाहे वो प्राइवेट तालीम था या चाहे वो अपना टीजीटी में था या रेगुलर पोस्टें निकली थी, उसमें कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। रिटायरमेंट्स 2014 के बाद होती नहीं, स्टाफ घटता गया लेकिन न्यू रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमारा उसी का नतीजा है कि हमारे 12 स्कूल बंद करने जीरो एनरोलमेंट के लिए, क्योंकि जब टीचर ही नहीं है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। और जो मैं तो कहता हूँ कि दाद देता हूँ, जो आज तक मैं इस पर अपना जेडीयू साहब अपना गुस्सा व्यक्त करता था या निकालता था, लेकिन आज उनकी हालत देख के जो लग रहा है तो उनके पास तो वही है कि चादर यहाँ से पूरी करें या चादर वहाँ से पूरी करें, एक तरफ से खींचते हैं तो दूसरी तरफ छोटी जाती है, दूसरी तरफ से खींचते हैं तो तीसरी तरफ छोटी जाती है। तो इसके लिए मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लें और जो उनके पास ऑफिस में जो यहाँ पे अपनी अटैचमेंट करा के बैठे हुए हैं उनको डी अटैच करके अपनी पोस्टिंग्स पे भेजें और रेस्ट
जो हमारे पास टीचिंग स्टाफ की कमी है इसको जल्द से जल्द पूरा करें। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, 6000 बच्चों का भविष्य आगे ही स्टेक पे लगा हुआ है और जो आने वाले बच्चे भविष्य हैं इसमें इस साल की एनरोलमेंट अभी एंटर नहीं हुई, तो ये सोचिए कि अगर आज इन पूरे 130 स्कूलों में अगर 1000 बच्चा भी एंटर हुआ होगा तो आज वो एनरोलमेंट 7000 होगी, तो 7000 बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, चाहे वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट सुन रही है आपके माध्यम से या स्टेट गवर्नमेंट सुन रही है या यूपी गवर्नमेंट सुन रही है, तो वसूली को इस तरह से नजरअंदाज ना किया जाए। मैं संजय राजन आपके माध्यम से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे अभी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे डेलीगेशन अगर रोज इकट्ठे होने शुरू किए और रोज अपना रोष व्यक्त करने लगे तो वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की नाकाम करने की नीति को सामने लाता है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें और जो अभी आज इनका एक फराट में स्कूल की अरेंजमेंट से मैं आपके माध्यम से जेडीयू साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने आज के आज ही टीचर का अरेंजमेंट कर दिया हुआ है, क्योंकि वो भी मिडिल स्कूल था और मिडिल स्कूल में सिर्फ दो टीचरों के सारे चला था और उसने एक छुट्टी किया और एक टीचर के सारा काम आज उन्होंने दो टीचर्स और अरेंज कर दिए हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी को हम समझ पा रहे हैं क्योंकि हर बार टीचर अरेंजमेंट्स हो रहे हैं लेकिन उसमें नई चीज़ नहीं है और लोग जो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट में जाके बैठे हुए हैं या कोई अपना कानपुर बच्चे पढ़ा रहा है यहाँ से कोई चीज़ पढ़ा रहे कोई बच्चे अपने बाकी पोजिशन में पढ़ा रहे हैं सोनी में ना पढ़ा के सैलरीज यहाँ से ले रहे हैं, एजुकेशन जोनल एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ से सैलरी विड्रॉ कर रहा है लेकिन वो बंदे छुट्टी पे बैठे हैं और पीछे अपने एंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं और इन 7000 बच्चों का भविष्य है, क्या उनका देश के प्रति इस समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं बनता वो भी अपने बच्चों उन बच्चों का भविष्य बनाएं। तो मैं आपके माध्यम से इतना ही अपने शब्दों को विराम दूंगा और मैं इस पर इसी हिसाब से गुहार लगाऊंगा कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन हो और ये एक्शन दिखना चाहिए, ये जो बदलाव है ये बदलाव दिखना चाहिए उससे पहले कि कोई और स्थिति खराब हो लोग पूरे हाहाकार मच जाए। जो बच्चों का 6-7 हज़ार का डाटा है मैं नहीं बोल रहा ये डाटा जो जोनल ऑफिस होता है सिर्फ वसूली जोन की बात करता हूँ, तो 7000 बच्चे इस टाइम किस कगार पे खड़े हैं बर्बादी की कगार, क्योंकि एजुकेशन उनको प्राप्त नहीं है, तो वो अभी नए नए इसमें अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, मेरी शुभकामना भी है और अगर हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहती है तो समाज से भी हमें चाहिए, तो वी आर ऑलरेडी हम पूरे सपोर्ट करने को तैयार हैं, DRI को सपोर्ट करने को तैयार, लेकिन जो डिपार्टमेंट का काम है वो डिपार्टमेंट ही करना है, वो ना कोई मैं कर सकता हूँ।